दे दूंगा तब मत बोलना कि तुमने दे दिए ये। पिछली बार तो इनके रो रो के बुरे हाल थे जब मैंने बहुत बढ़िया ऐसे में टूटेगा तो फोन ये हाय दोस्तों गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुसाई फैमिली ब्लॉग में और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से और हम आ गए हैं ऑफिस से और ऑफिस से आने के बाद नहा भी गए हैं, पूजा भी कर दी है। ताकि कल मैं बोला था आपको कि मैं गाड़ी का टायर चेंज कराने जाऊँगा तो कल मैं जा नहीं पाया क्योंकि मेरे को आ गई थी नींद और शाम को फिर फ़ोन आ गया था, मैं उस साथ इंगेज हो गया था। तो आज जाएंगे मैं और नानू गाड़ी का टायर चेंज कराने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। दोस्तों आज सुबह की शुरुआत हो गई है पनीर के पराठों से और आप ये देखिए आज किरण पनीर के पराठे बना दिए। तो मैडम जी नाश्ता के लिए भी तैयार होगा हमारे लिए? तैयार है, ठीक है नाश्ता लेके आओ। तो दोस्तों नाश्ता भी आ गया है अब और मैं तो शुरू कर रहा हूँ नाश्ता क्योंकि मुझे अभी जाना है मार्केट। दोस्तों अभी जा रहा हूँ पहले मैं दूध लेने के लिए। दूध देना भाई, क्या हाल है? आ गया दूध? हाँ। चल बड़ी देर में ला रहे हो दूध? नहीं। दीदी चली गई घर? और सुनाओ सब ठीक ठाक? तो दोस्तों ये हमारे दुर्गा जी की दुकान है और हम इनसे हमेशा यहीं से सामान लेते हैं और ये हमारे मार्केट में ही है हमारे घर के नज़दीक। और अभी दोस्तों हम आ गए अपनी गली में, ये हमारी गली का व्यू है, सामने खड़ी है हमारी धनो। और ये आ गया हूँ मैं घर पे अब। क्या हुआ? आ रहा है और मैं जा रहा हूँ मार्केट और इसके बाद मैं गया हूँ उनके लिए रसमलाई लेने के लिए। तो दोस्तों रसमलाई और 1 किलो चांप ले लिए इनके लिए। कल की मोबाइल की पार्टी, फिर उन्होंने कहा है कि चांप लेके आ जाना, मैं खुद बनाऊँगी घर पे। और मीठे में रसमलाई ये लिए। तो ये भाई मोबाइल की पार्टी तो ऐसी मिलेगी, कोई गाड़ी थोड़ी खरीदी है जिनको मैं होटल में जाऊँगा खाना खाने के लिए, है ना। जिस दिन गाड़ी लेंगे उस दिन खाना खिलाएंगे होटल में। तो चलो अब चलते हैं घर की तरफ और अब आपको घर में मिलते हैं। और उसके बाद लिया हमने तरबूज। कितना किलो निकला है भाई, कितना किलो है? 6 किलो 300 ग्राम का है। 6 किलो निकालना जरूरी था? तेरे को 3 किलो का था, 3-4 किलो का, तुमने 6 किलो निकाल दिया। कोई नहीं, कोई बात नहीं, मैंने कहा मीठा होना चाहिए। कोई बात नहीं, 6 किलो का है ना, 6 किलो में 300 ग्राम कम है। कितने रुपए हो गए आपको? हो गए 170 रुपए। ठीक है दिया। दोस्तों आज नजफगढ़ गाँव को ट्रम्प की गाड़ी ये मिल गई, बाइक मिल रही इनकी डीलिंग वालों की। बड़ी लेट कर दिया आप लोगों ने और गाड़ी कर दिया हमने गैरेज में खड़ी। ये हमारी गाड़ी का गैरेज। तो दोस्तों अब आ गए हम घर पर वापस। बाहर अभी से दिल्ली में इतनी भयंकर गर्मी होने लगी है ना, क्या बताऊं मैं आपको, इतनी जबरदस्त गर्मी हो रही है। क्या रसमलाई? अच्छा पकड़ेगी दे रही। तो ये मार्केट से आने के बाद इन्होंने मुझसे कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी और अब ये पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। तो भाई पराठे तुम बनाई, तूने बनाए थे पराठे, वो भी घी घी में बनाए थे, जरा कोल्ड ड्रिंक मेरे को जरा। कल से फोन के चक्कर में मुझसे पार्टी पार्टी करते करते उन्होंने मुझसे 1500 की पार्टी कर ली है और अभी भी बोल रहे हैं हमने हमारी पिज्जा पार्टी करो। हाँ तो क्या बोलती, खाना ना मिले तो
क्या बना ली? तो चाय खराब आ गया। खराब नहीं होंगे ये, थोड़ा धूप में रख देना इनको। तो पॉपकॉर्न तुझे बनाने आते हैं? पॉपकॉर्न तेरे को खराब लिया है? नहीं नहीं, पहले वाले अच्छे थे यार, वो तो इतनी जल्दी फूल जाते थे। तेरे को भी तो मैं ही लाया हूँ, है ना? तो फिर कैसे बोल रही चीज खराब ले आते हो? तो खराब है। तो आ गए हैं पॉपकॉर्न, चेक करके देखते हैं कैसे हो रहे हैं। एक नंबर भाई। थैंक यू किरण जी, जो ऐसे लेट लेट के चाय पीता है। मतलब खड़े उठने का कष्ट नहीं करना। भाई सर, आप क्या खाना पसंद करेंगे? खाने में जो हमारा खान साहब बनाने का, वही खा लेंगे। अभी लड़ रहे थे तुम? हाँ जी हाँ जी, क्या बोला आपने? अभी लड़ रहे थे तुम दोनों। लड़ाई भी जरूरी है। अरे ये भी आ गई छत से। चेरी तो इनको बोलो इनकी ड्यूटी लगाओ। दोनों दो दे दूंगा, तब मत बोलना कि तुमने दे दिए ये। पिछली बार तो इनके रो रो के बुरे हाल थे, जब मैंने बोल दे दिए। किसी को किसी को चाहिए बुन, डॉगी चाहिए बुन, किसी को तो ले जाओ। अब बोलो तो दे दो, मत बोलना मन ना फिर बाद में। बोलो किसी को चाहिए, चिंटू पिंटू चाहिए किसी को तो ले जाओ। ये सेल है, सेल नहीं है, ऐसी है, दे देंगे इनको हम। एक ही चिंटू ऊपर है, चाहिए किसी को गिफ्ट कर देंगे। हाँ जी हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? अरे किसी को गिफ्ट दे देंगे जिसको चाहिए होगा। गिफ्ट सेल करनी कभी चीज़? नहीं नहीं, सेल नहीं, मतलब किसी को दे देंगे, गिफ्ट दे देंगे तो हम चैरी को गिफ्ट। है नहीं पालना इनकी, ये गलती है, घुमाते नहीं है। बड़े हो गए भाई, हमारा बस भी चल रहा है इनपे। फोन तोड़ दूंगा ये लड़का मेरा फोन तोड़ देगा। इसको फोन के ऊपर बैठ गया वो। आज इसका नया कवर आया है तो ये आज इतने गुस्से में है। अरे वो क्यों कर रही हो यार? तो चिंटू कहाँ छोड़ा इसने? अब बोल, ऑन कैमरा बोल। कर लो चिंटू का है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनाते रहते हैं दिन भर। तो तुम उनको घुमाते क्यों नहीं हो फिर? थोड़ी देर घुमाने की बात नहीं कर रहा मैं, और भी बहुत चीजें हैं। पढ़ते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो। नहीं पढ़ते? तो वो तो मुझे पता, मैं नहीं पढ़ता। आप और क्या पढूं अभी? बेसिक बेसिक तो कर ही रहा हूं। हाँ जी, क्या? बंद करो इसको, तूने बोला जूम करो। बहुत बढ़िया, ऐसे रहे टूटेगा। तो दोस्तों अब हो चुकी है मेरी ऑफिस जाने की तैयारी, आज रात का डिनर। भाई चाप आप ना, इस बार हाँ। बच्चों ने थोड़ा दोस्तों वैसे जो चाप होती है 100% मतलब वो उसमें मतलब आटा नहीं होता है, वो मैदे की भी बनी होती है, थोड़ा परसेंटेज उसमें मैदा डला होता है, लेकिन ये चाप में 90% आटा है और 10% इसमें मैदा है। मैदा इसलिए होता है कि थोड़ा उसमें जिससे कि वो रोल हो जाए, चिपक जाए। तो मैं आज टेस्ट करता हूँ कि कैसी कैसी चाप लाया हूँ, मैं टेस्ट करता हूँ खुद ही। ठीक है, मैं खा के देखता हूँ भाई, वेट करो, खा के देख लेता हूँ। मैं टेस्ट कर लेता हूँ पहले। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही खाने में, अब इनको नहीं लग रही तो समझ में नहीं आ रहा क्यों, क्योंकि मुंह में टेस्ट तो पहले वाली चाप का और है। इस चाप को का टेस्ट रखने या इस चाप का टेस्ट बनाए रखने के लिए भाई वो कंटिन्यू खानी पड़ेगी वाली चाप। तब खाएंगे हम ठंडी ठंडी रसमलाई, मैंने खाया नहीं खाया। ये तो मैं मित्तल से लाया रसमलाई, तो मित्तल से लाते हैं। दोस्तों ठंडी ठंडी रसमलाई के साथ आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। बाय गाइस, सॉरी रसमलाई।
तो मैडम जी आप भी टेस्ट कर लेते। मैं भी खाना खाऊंगी तब खाऊंगी। थैंक यू। तो मैं भी टेस्ट करता हूँ रसमलाई।